इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहीद स्मारक जयपुर में राजस्थान के कोने कोने से हजारों की संख्या में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक महापड़ाव में शामिल हुए। संघ के बैनर तले अपनी एकमात्र मांग स्थायीकरण के लिए आज राजस्थान के हजारों पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर के सानिध्य में प्रदर्शन कर रहे। राजस्थान सरकार ने चुनावी वादा किया था कि हम सत्ता में आए दो संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। सरकार का दावा था कि उसने 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है क्योंकि अभी एक एक भी संविदा तक कर्मी नियमित नहीं हुआ है। सरकार ने संविदा कर्मियों को संविदा से निकाल कर केवल संविदा रूल्स 2022 में डाले हैं, जो संविदा कर्मियों के साथ सरासर धोखा हुआ है। इन सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को स्थायी नहीं करती तो इसका विपरीत परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं झालावाड़ से जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि जयपुर महापड़ाव में भाग लेने के लिए झालावाड़ जिले से सैकड़ों पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे हैं। हाँ होगा, 23,749 का ही हो जाए। ये अनुभव जोड़ दो, ये जोड़ दो, विद्यार्थी मित्र सारी योजना तरीके तरीके कोई चिंता दिमाग में। और इस समय यही काम हो सकता है, ये भी बता दूंगा आपको। इस समय यही काम होने वाला है। कोई सोचेगा ये भी मेरे को साथी कहते पैसा बात ये मांग रखो, मैं 5 साल वालों को नहीं मिलता। सरकार आई इस पैटर्न में लाके छूट दे के और नियुक्ति की तैयारी करिए। अपन ये कहेंगे 5 साल वालों को नियमित करना है, सब प्रक्रिया कैसे ऐसा नहीं होता है। नहीं होता, हमेशा गलत समय में सही समय पे गलत मांग नहीं रखनी है, मांग वही रखनी है जो सरकार कर सकती है। और ये काम सरकार कर सकती है, हमें यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचानी है। और यह बात तब पहुँचेगी जब आप सारे बहन भाई यहाँ पर शाम को नहीं पूरी रात ईमानदारी से डटे रहेंगे। अगर आप घर चले गए तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं गए तो यहाँ से खुशी लेके जाओगे। अब हार और जीत आपके हाथ में। जब तक संगठन खड़ा है आपके ऊपर क्रोध भी नहीं आएगी। हम मरने के बाद हम आपको देख नहीं पाएंगे कि आपका क्या है। कोई बहन भाई चिंता ना करे, प्रशासन पूरा अपने साथ है। प्रशासन चाहता है कि जब सभी संविदा कर्मियों का भला हो रहा है तो इनका भी हो, इनका भी होना चाहिए। इसलिए साथियों पूरे जोश जुनून और ताकत से यहाँ बैठे रहे, रात भर हमें इसी तरीके से बैठा रहना है। दादी रहे। कहीं जाना आना नहीं है। 5 बजते कई साथी जोड़े लटका के चले जाएंगे, संख्या यहाँ कम बचेगी, प्रशासन दबाव डालेगा, हो सकता है मैं खदेड़ के। अगर आप इसी संख्या में यहाँ बैठे रहोगे आपकी बात 1000% होगी माननीय मुख्यमंत्री। बातों से ही समाधान होगा, यह बात दिमाग में अच्छे से घर कर लेना। आप सोचते हो कि आप पूछ कर जाओगे तोड़ दोगे, ये समाधान के रास्ते नहीं है, ये सिर्फ रखना की घर जाने के रास्ते। कोई नहीं पूछेगा और अपने ऊपर दूसरी सरकार के एजेंडे अपने को लेना इस सरकार से है तो सहानुभूति पूर्वक ही ले पाओगे। उग्रता से अभी समय नहीं आया है। आचार संहिता तक सरकार के हाथ में होता है हर काम करने। आचार संहिता लगने के बाद आप कितने भी उग्र हो जाए आपका रिश्ता। आचार संहिता तक सरकार से अन्य विनिमय गांधीवादी तरीके से चल रहा है, इसको सफल बनाए। उसके बाद उग्र होने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। कोई साथी घबराए नहीं, अपना काम सिर्फ आधे घंटे का अगर सरकार दबाव में आके करे तो, और नहीं करेगी तो आप चाहे यहाँ लाशों के ढेर लगवा दो, फसे जाम करवा दो, हाईवे जाम करवा दो। इसलिए मित्रों घोषणा रखो, संगठन पे विश्वास रखो, कभी आपका अहित नहीं होगा। संगठन पूरी तरह प्रयासरत है कि जब सारे संविदा कर्मियों का नियमितकरण हो रहा है तो फिर मेरे बहन भाई पीछे। हमें इस बात की आत्मग्लानी भी है और दुख भी है
कि अंतिम समय में हम पिछड़ गए। इसलिए आप इतने साथी आए हो, अपने आप को 23,750 समझें और संगठन के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें। संगठन आपको विश्वास दिलाता है कि आपके 100% जीत। अगर आपने कोई उल्टा सीधा कदम संगठन के बिना उठाया तो साथियों, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेट।